पटना में चल रही विपक्षी दलों की बैठक को लेकर बीजेपी के नेता हमलावर बने हुए हैं और पूछ रहे हैं कि नीतीश की बारात का आखिर दूल्हा कौन है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बैठक पर तीखा तंज कह दिया है। शाह ने कहा है कि पटना में शोशल चल रहा है, लेकिन विपक्ष के लोग कितना भी हाथ मिला ले एक साथ कभी नहीं आ सकते हैं, कुछ भी कर ले 2024 में बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। दरअसल जम्मू कश्मीर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों की बैठक पर तंज कस दिया है। उन्होंने कहा है कि पटना में आज फोटो सेशन चल रहा है, विपक्ष के सभी नेता एक मंच पर आ रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि भाजपा और मोदी को चुनौती देंगे, लेकिन विपक्ष के नेता कितना भी हाथ मिला ले एक साथ नहीं आ सकते हैं, किसी तरह अगर साथ आ भी गए तो 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की 300 से ज्यादा सीटों के साथ जीत तय है। बता दें कि पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर विपक्षी दलों की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में करीब 15 दलों के नेता शामिल हैं। बैठक में जदयू से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, विजय कुमार चौधरी, आरजेडी से लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव, कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, शिवसेना से उद्धव ठाकरे, संजय राउत, आदित्य ठाकरे भी शामिल हैं। इसके साथ ही एनसीपी से शरद पवार, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, संजय सिंह और राघव चड्ढा, टीएमसी से ममता बनर्जी, माकपा से सीताराम येचुरी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से महबूबा मुफ्ती, भाकपा से डी राजा, भाकपा माले से दीपंकर भट्टाचार्य, जेएमएम से हेमंत सोरेन, डीएमके से एमके स्टालिन भी बैठक में मौजूद है। जी हाँ, तो बता दें कि पटना में विपक्षी एकजुटता का महाजुटान आज हुआ है, जिसकी अगुवाई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर बनी हुई है। बता दें कि पटना में चल रही विपक्षी दलों की बैठक को लेकर बीजेपी के नेता हमलावर बने हैं और पूछ रहे हैं कि नीतीश की बारात का आखिर दूल्हा कौन है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बैठक पर तीखा तंज कस दिया है। अमित शाह ने कहा है कि पटना में और कुछ नहीं, फोटो सेशन चल रहा है, लेकिन विपक्ष के लोग कितना भी हाथ मिला ले एक साथ कभी नहीं आ सकते हैं, कुछ भी कर ले 2024 में बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। दरअसल जम्मू कश्मीर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों की बैठक पर तंज कस डाला है। उन्होंने कहा है कि पटना में आज फोटो सेशन चल रहा है, विपक्ष के सभी नेता एक मंच पर आ गए हैं।